मुख्यमंत्री हमारे गांव जब जाते हैं ना, तो हम उनका स्वागत लोटा में पानी लेकर करते हैं, और हम जब शहर आए मुख्यमंत्री के घर के पास तो सलाइन में पानी दिया जा रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से नहीं मिलते हैं तो हम लोग आत्मदाह तक जाएंगे। अगर 23 लड़का का कुर्बानी हो जाता और झारखंड का कल्याण हो जाता तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या। हम लोग दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा है। मुझे लगता है कि अब ऐसा समय है कि मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा समय 5-10 मिनट निकाल के मिल लेना चाहिए। तोरा यह चंदन क्यारी जाए तो, तोरा यह बोकारो जाए तो, तोरा यह निरसा जाए तो, यह झरिया जाए तो, तखन यह चेहरा गिला तोरा आगू ही खड़ा रहब तू, और तोरा तहन देखबे तहन तोरा लाज लागत कि अखिन जहन मिले आए रहतून तहन हम मिले नहीं गली, अखिन जहन मांग पत्र सौंपे आए रहतून तखन हम भेंट नहीं कर ली। जब तक हम नहीं मिलबो ना, तब तक हिलबो ना। जय झारखंड। धड़कने थोड़ी तेज हो गई है, बीपी ऐसी चीज है जो एकदम आखिर में गिरती है। जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर आप देख सकते हैं झारखंड 32 खतियान को लेकर 9 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है और आज आमरण अनशन का 3रा दिन है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोगों को पानी भी चढ़ रहा है, शरीर से भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए सदर अस्पताल से कुछ डॉक्टर्स भी आए हैं। और आइए डॉक्टर से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या परेशानी है। आज मेडिकल की कुछ टीम आई है और आपके साथियों को पानी चढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहिए। मुख्यमंत्री हमारे गाँव जब जाते हैं ना, तो हम उनका स्वागत लोटा में पानी लेकर करते हैं, और हम जब शहर आए मुख्यमंत्री के घर के पास तो सलाइन में पानी दिया जा रहा है। यही कहना है बस कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। आपको भी सलाइन चढ़ा? नहीं नहीं, हमको नहीं चढ़ा, अभी मजबूत हैं, अभी लगेगा समय सलाइन चढ़ाने का, पर अभी नहीं चढ़ा, अभी ठीक है। 3 दिन से भूख हड़ताल पे है तो कुछ लोगों को तो पानी चढ़ ही रहा है, तो कष्ट, इस कष्ट से ज़्यादा बड़ा कष्ट वो है कि हमारे राज्य के सपनों को बर्बाद किया जा रहा है, राज्य के जो संवेदनाएं हैं उसको कुचला जा रहा है, जन आकांक्षाओं को सरकारी पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, सरकारी दमन युवाओं पर हो रहा है। तो इससे बड़ा कष्ट ये नहीं है, ये कष्ट तो फिर भी मिट जाएगा, उस कष्ट को याद रखा जाएगा। बीपी तो बहुत ज़्यादा गिरी नहीं है सबके, लेकिन धड़कने थोड़ी तेज़ हो गई हैं। बीपी ऐसी चीज़ है जो एकदम आखिर में गिरती है, और अभी हम लोग सबका ब्लड शुगर चेक करेंगे, अगर किसी का कम होता है तो हम उनको डेक्सट्रोज चढ़ाएंगे। हम सदर अस्पताल के डॉक्टर, सदर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने भेजा है। देखिए, अलग अलग शरीर की क्षमता होती है ना, कोई एक दिन में ही कमज़ोर पड़ जाते हैं, कोई 7 दिन रख लेते हैं। यहाँ का क्या स्थिति है? यहाँ पे अभी तो सब कमज़ोर हैं, लेकिन किन्हीं का बीपी अभी गिरा नहीं है, है ना। धड़कने बढ़ी है, बीपी नहीं गिरा है। अभी हम शुगर चेक कर रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा शुगर किन्हीं का गिरा है कि नहीं गिरा है। आपको पानी चढ़ रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? पहले से थोड़ा अभी ठीक लग रहा है ना, उससे पहले हालत बहुत ख़राब थी। इससे 1 किलोमीटर दूर ही माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है कि झारखंड का लड़का बेटा, उसका छोटा भाई लोग यहाँ पे भूखे हैं, प्यासे हैं, कैसा स्थिति है। ये नहीं कि जाके थोड़ा सा बात कर लें, अरे हम लोग क्या मांग लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग तो अपना अधिकार ही मांगे हैं ना। हम लोग कोई बाहर से कोई दूसरा चीज़ नहीं, जो झारखंड का, जो झारखंडी हित का अधिकार है वही मांग रहे हैं। और आपका क्या बोलते हैं, आपका मैनिफेस्टो में ही यही था कि 1932 लागू करेंगे खतियान आधारित नियोजन नीति, झारखंडी भाई लोगों को सबका कल्याण होगा, लेकिन पता नहीं। आपको अभी पानी चढ़ने लगा तो और कितना दिन तक आप भूख हड़ताल पर रहेंगे? भूख हड़ताल जब तक, तो वो तो नारा हम लोग तो दिए हैं, जब तक मिलबो ना तब तक हिलबो ना, कहने का मतलब आत्मदाह तक हम लोग जाएंगे, आत्मदाह तक हम लोग जाएंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से नहीं मिलते हैं तो हम लोग आत्मदाह तक जाएंगे। अगर 23 लड़का का कुर्बानी हो जाता और झारखंड का कल्याण हो जाता तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या। आपके साथियों को पानी चढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो लोग दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा है। मुझे लगता है कि अब ऐसा समय है कि मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा समय 5-10 मिनट निकाल के मिल लेना चाहिए, क्योंकि हम सब बहुत ही कष्ट में हैं। आज वो 48 आवर्स होने चले, तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को मिल लेना चाहिए।
आइए, इनके कुछ अभिभावक भी हैं इनके साथ, उनसे बात करते हैं। दिक्कत हो रहा है, किसी को पानी चढ़ रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? प्रशासन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, महसूस तो हो ही रहा है, नहीं हो रहा है सो बात नहीं है, क्योंकि आज खतियान को मानता तब तो ये दिक्कत नहीं होता ना। आपके बच्चे सारे वहाँ बाहर से घर छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, घर सूना नहीं हुआ? घर सूना होने से क्या होगा, ये भी घर है, जब तक हमको पेट नहीं भरेगा तब तक फिर क्या करेंगे, लड़ाई तो लड़ना ही है, पेट तो भरने के लिए ही ना लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ही बैठे, पानी भी चढ़ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रशासन को, है ना। सबसे पहले मीडिया बंधु को झारखंडी जोहार कहते हैं, और जितने भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस आंदोलन में सभी लोग भाग ले, क्योंकि इसका एक का आंदोलन नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश का आंदोलन है, जो माय माटी के लिए समर्पण है उसका साथ दें। और मैं इस चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन से निवेदन करना चाहता हूँ कि माय माटी के आवाज़ को सुने और यथाशीघ्र इस पर अपना विचार दे, क्योंकि वो हम लोग के गार्जियन हैं, आखिर हम लोग बात रखें तो किसके समक्ष रखें। और उन्होंने 32 का खतियान आधारित जो बात बोल के चुनाव में मुख्यमंत्री बने, आज उसी का तो मांग हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मांग कोई अपना से नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने एक एक चीज़ कहे चाहिए हेमंत सोरेन सरकार के कि बच्चा के आवाज़ के सुने, पूरा देश, पूरा झारखंड राज्य के आवाज़ के सुने और इस पर विचार करें। मैं अपना बच्चा को देखने के लिए आया हूँ, नहीं, मैं बच्चा लोगों का हौसला मजबूत करने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो जो घर से कदम निकाले हैं तो राजहित में निकाले हैं, इसलिए मैं उसका समर्थन करने आया हूँ, उसको वापस घर लेने के लिए नहीं आया हूँ। आपको तो गर्व हो रहा होगा कि बच्चा आपका झारखंड की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। हाँ, गर्व तो महसूस होता है, लेकिन गार्जियन होने के नाते थोड़ा दिल भी पसीसता है, फिर भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज तीसरा दिन हम इन खातिर, खास करके सबसे अच्छा ही खातिर रहे कि हम इनके गार्जियन सब देखा, हम इनसे मिले ले देखे ले, तो हम इनके जो भूख प्यास लागा हले तनी आधे के भी ऑटो अपन घर के लोग देख के भूल गए, क्या कि हम इन झारखंडी में एगो कहावत हो कि घर पहुँचब और घर के लोग तोरा भेटा गलो तो तोर यदि कोई टेंशन हो कोई हो तो कम से कम वो टाइम रिलैक्स है जीवन, तो ये बात तो एकदम सच्चाई हो, इटा हम इन आज अपन फील भी कर ली, अपन अनुभव में तोरा कह रही हो कि घर के लोग अला तो हम इनके जे एगो भूख प्यास तनी आधे लागा हले उटा खत्म हो गल है। और सबसे पहला दो चार बात हम बोले चाहो गार्जियन सब आए हथिन वो चलते यार इस सरकार के कि हम इन बहुत अच्छा यहाँ ले मिले लाए रही, हम इन कोई आमरन अनसन या कुछ नहीं, तो सरकार हेमंत हम इनके ना मिलला तब हम इनकी रणनीति के लिए तय करे हल, लेकिन हमका जो तेरी राग रहल है कि एखन काल राज के जो दौर है ये कोई लंदन कोई अमेरिका कोई इंग्लैंड में ना है, भारत के झारखंड राज्य में है कि जे पार्टी की सरकार है ओकर 14 से 15 विधायक ओकर सरकार के खिलाफ बैठा लतीन, हमनी जैसन गंजी पिन के और हमीन के हौसला बढ़वे खातिर कि तोनी बाबू एकाए ना या हामिन भी तोनिक संगे ही हो। और हेमंत दा के तो अपन में विचार करना चाहिए, घर जाए के जगह आराम से भाभी संग बैठे कम से कम ओकर बाद बाकी तो वहाँ जते घर लोग हथिन छप्रिया अप्रिया हथिन कम से कम जो हम इनके भौजी है उ झारखंडी बन गया हथिन झारखंडी लागथिन, तो ओकर संग जन बैठ के ओकरा चर्चा करने चाहिए कि पूरा राज जे आग टा लागल है, भाषा कर जे लागल है 660 गजट जे हमने पूरा हटवे के मांग करे, 1932 खतियानी नियोजन नीति लगवे कहे, स्थानीय नीति लगवे कहे, उद्योग नीति लगवे कहे, शिक्षा नीति लगवे कहे, झारखंडी युवा सब कर विकास हो तो झारखंडी युवा आयोग बनवे कहे, जे तमाम झारखंडी मांग है, क्या कि हमने ये खातिर मांग रही हो कि भैया तो हम इनके यदि ना करबे तो हम इन और ककरा से उम्मीद करबे,
क्या कि तुम्हें वोट हटे कह के ले रहे हैं, हमीन वोट हटे कह के दे रही हो, और हमीन तो कोई ओकर से ओकर जमीन जायदाद नहीं मांग रही, ओकर BMW चढ़ेल नहीं मांग रही, ने ओकर ऑटो नहीं कह रही कि रांची पैदल आई तो एक दिन तोर CM आवास में रहो और हमनियो देखब कि कैसन लागे। हमीन के कोई ओकर से ज़्यादा मांग ना है, ओटे मांगो जेटा वो बोलो रहो, जेटा वो ना कर लो ओटे हमीन के मांगो। लेकिन इस सरकार हमका लागो एकदम तय कर ले लो कि ना झारखंडी सुनना ही ना हो, एकदम आँख कान बंद कर दे लो झारखंडी हित में। ओकरा एक ओकर मंत्री चिट्ठी लिखा है तो ओकर इतना प्रेम है कि उटा में गजट बना के ले लानो। लेकिन झारखंडी इतना लाखों लाख निकला हथिन, हजारों हजार निकला हथिन, छोटो भाई साहब पूरा 2 महीना में झारखंड के कोई ऐसा कोना ना हो और जे पेपर ना छापल हो ओकरा छोड़ के कोई ऐसा जगह ना हो जहाँ प्रदर्शन ना रहा है, जहाँ सरकार के थूक ना रहा हथिन, जहाँ सरकार के नीति के गरिया नहीं रहा हथिन। लेकिन फिर भी एकरा कौन बात के घमंड है कि ना झारखंडी सुन रहा हो, ना झारखंडी बोल रहा हो, ना झारखंडी से मिले खोज रहा हो। तो तोनिक माध्यम से हम कह चाहे कि ठीक हो एखन तो ना मिल रहा है, ना सोच रहा है, ना समझ रहा है, कोई बात ना हो। लेकिन 2024 में ग्यारह छपरा से इतना 3.5 करोड़ जनता ले लान वोटवा खातिर, तखिन तो तोरा यह गोमिया जाए तो, तोरा यह डुमरी जाए तो, तोरा यह टुंडी जाए तो, तोरा यह सिंदरी जाए तो, तोरा यह चंदन क्यारी जाए तो, तोरा यह बोकारो जाए तो, तोरा यह निरसा जाए तो, यह झरिया जाए तो, तखन यह चेहरा गिला तोरा आगू ही खड़ा रह तू, और तोरा तहन देखबे तहन तोरा लाज लागतो कि अखिन जहन मिले आए रहतून तहन हम मिले नहीं गली, अखिन जहन मांग पत्र सौंपे आए रहतून तखन हम भेंट नहीं करली, और आज जखन हम वोट मांगे अली तखन यह भाई साहब हमार आगू खड़ा है, तखन तोरा कितना खराब लागतो, और चलते तोरा आगा कर रहे हो एक झारखंडी हित में, एक झारखंडी बेटा लागे कि झारखंडी हित में काम कर, तोरा झारखंडी सब बनवा लतून। नहीं तो ऐसा तोर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा ना रहो तो 18 गो ना जीता हल, एक पहले 19 गो से बेसी तोर विधायक पार नहीं होलो। लेकिन हम इन झारखंडी सब जाग लियो, हम इनके लागलो कि तोरा हम इन बनेबो, तोरा वोट दिलियो बने लियो, तो तोर से हटे के चाहे हम इन दा ई मंच के माध्यम से कि आज हम इनके 2.5 दिन पार हो गए, हमार 2-3 गो साथी दू बोतल सनाल चढ़ गए, अब तो की चाहे कि हम इन खून चढ़े ओकर बाद लास्ट में यहाँ जान दे दिए, तब तो झारखंड हित में काम करवे। ये चीज़ सब अब झारखंडी के सोचे के जरूरत हो, और आज घर में जितना झारखंडी भाई सब या 10 मिनट जरूर अपन गिदर के भविष्य के खातिर सोचिया, अपन झारखंडी हित खातिर सोचिया, झारखंडी भाषा संस्कृति खातिर सोचिया, और यदि लागतो कि सरकार गलत कर रहा है तो हम इनके आवाज़ में आवाज़ मिला के साथ दिया, और आगू एकदम जबरदस्त एकर खिलाफ जो भी निर्णय हमने निकलब है वो निर्णय तक साथ दिया। ऐटे कह के हम कह जाबो तमाम सबके एक बार खतियानी जोहार, और एगो हम इनके नारा हो जेटा तुम्हें जान रहा है और ना भी जान रहा है कि जब तक हमने मिलबो ना, जब तक हमने मिलबो ना, जय झारखंड। तो जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों में से कुछ लोगों को 2-2 बोतल 3-3 बोतल स्लाइन चढ़ रहा है, और कुछ अभिभावक भी इनसे मिलने आए हैं, और हमने आपको अभिभावकों का भी दुख दर्द सुनाया कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों के प्रति। GN भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।